सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अमित शाह की रैली कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, ये बड़ी खबर सिरसा से। अमित शाह सिरसा पहुंचने वाले हैं, अनाज मंडी में कांडा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये रैली दफ्तर बनाया गया है। तो अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होगी ये दावा किया जा रहा है। रविंद्र राजू सांसद दुग्गल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने उद्घाटन किया। हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो गृहमंत्री अमित शाह रैली करने के लिए पहुंचेंगे, तैयारियां जोरों पर हैं। इससे पहले रैली स्थल का जायजा भी बुधवार को लिया गया, तैयारियों का जायजा लिया गया। चूंकि सिरसा की अनाज मंडी में रैली होने वाली है तो रैली दफ्तर भी तैयार किया गया है। बीजेपी दावा कर रही है अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होने वाली है, बड़ी संख्या में लोग अमित शाह को सुनने रैली में पहुंचेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अमित शाह आएंगे, मोदी सरकार के 9 साल के उपलब्धियों, बड़े फैसलों का जिक्र जाहिर मंच से होगा। ऐसे में कांडा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड रैली दफ्तर बनाया गया है। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, रविंद्र राजू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने उद्घाटन किया। चलिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी सिरसा से फोन लाइन पर हैं। अमित, किस तरह की तैयारियां रैली को लेकर? बिल्कुल ज्योति, अगर बात की जाए तो रैली को लेकर जो है तैयारियां यौवन पर हैं, और आज एक अहम जो रैली को लेकर कदम उठाया गया है उसमें रैली का नामकरण किया गया है, जिसे गौरवशाली भारत रैली, सिरसा रैली को नाम दिया गया है। और जो यहाँ अनाज मंडी में जो रैली स्थल है उससे कुछ दूरी पर ही कांडा जो एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट जो बनी हुई थी शॉप, उसी को ही भाजपा कार्यालय में, यानी कि भाजपा रैली कार्यालय में तब्दील किया गया है। उसका उद्घाटन भी आज यहाँ रैली के संयोजक हैं सांसद सुनीता दुग्गल और साथ साथ संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, उनकी तरफ से किया गया है। जी तो अमित, दावा ये किया जा रहा है कि रैली ऐतिहासिक होगी, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जी निश्चित रूप से रैली की तैयारियों को देखकर यही लगता है कि रैली अपने आप में एक तो आधुनिक तरीके से होगी और राष्ट्र स्तर की रैली का दावा किया गया, जिसमें ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी। और इसी प्रकार से सभी लोग दावा भी कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है उसको लगता है कि रैली भीड़ की और भव्यता की दृष्टि से ऐतिहासिक होगी। जो इस आसपास के इलाके में कभी इस प्रकार की रैली नहीं हुई होगी, इस प्रकार के दावे जो है वो भाजपा के तमाम जो लोग त्यागियों में जुटे हुए हैं लगातार उनकी ओर से किए जा रहे हैं। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके ओर से भी यही दावा किया गया है। जी ज्योति, चलिए बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी। तो रैली दफ्तर का उद्घाटन किया गया, सुनीता दुग्गल, रविंद्र राजू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की ओर से उद्घाटन किया गया। तो पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी इस दौरान उपस्थित रहे। अमित शाह पहुंचेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा और किस तरह से विरोधियों पर भी मंच से हमला किया जाता है ये भी इस रैली के जरिए आप देखेंगे।